गाइस अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, कैसे हैं गाइस? तो अभी मैंने व्लॉगिंग शुरू कर दी है सुबह सुबह। मैं असल में थोड़ा बीमार था और इस वजह से एक दिन बीच में मिस किया, व्लॉग नहीं शूट किया। बीमार था असल में, वो जो फंक्शन पे गए हुए थे तो उधर से काफ़ी थक गया था तो बीमार हो गया। थोड़ा आते बाइक पे आया था तो जो है हवा लग के ना वो बीमार हो गया। तो खैर अभी भी गला मेरा बैठा हुआ है, आवाज़ मेरी बैठी हुई है और मुंह में भी छाले निकले हुए। तो बस अब यही है कि अब नाश्ता वगैरह करते हैं, नाश्ता वगैरह करके तो आपको फिर मिलते हैं। ठीक, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। हो गया जी आपको वेलकम गाइस। मैं तो समझो कोई VIP नाश्ता आएगा, तो ये आ गया चूड़ियाँ और चाय। खैर अभी मुझे इसी की ज़रूरत है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, तो अभी मुझे इसी की ज़रूरत है। नाश्ता तो हमारा हो गया, नाश्ता कंप्लीट हो गया, ये देख सकते हैं आप। तो गाइस फाइनली नाश्ता करने के बाद छत पे पहुँचे हैं और मैंने बोला आपको ज़रा व्यू दिखा दूँ छत का ना, कितना प्यारा व्यू हो रहा है। क्योंकि काफ़ी दिन बारिशों के बाद जो है ना, मतलब काफ़ी दिन तो नहीं, 2 दिन बारिशों के बाद धूप निकली, तो मैंने बोला ज़रा व्यू तो दिखा दूँ। तो चलें। हाय 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 भाई, व्यू चेक करेगा, दुनिया साफ हुई पड़ी है सख्त। बारिश के बाद ना एक अलग ही व्यू आता है, दुनिया साफ हुई हुई होती है। तो इधर ही एक मेरा सवाल भी था, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा सवाल था ना कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किस वजह से जन्नत से निकाला गया। थोड़ा मैं साइड पर जो धूप लग, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किस वजह से जन्नत से निकाल कर दुनिया में भेजा गया, इसका जवाब आप मुझे दे। तो अगली वीडियो में मैं इसका जवाब भी बता दूंगा और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लूँगा। तो गाइस फाइनली नाश्ता करने के बाद छत पे पहुँचे हैं और मैंने बोला आपको ज़रा व्यू दिखा दूँ छत का ना, कितना प्यारा व्यू हो रहा है। क्योंकि काफ़ी दिन बारिशों के बाद जो है ना, मतलब काफ़ी दिन तो नहीं, 2 दिन बारिशों के बाद धूप निकली, तो मैंने बोला ज़रा व्यू तो दिखा दूँ। तो चलें। हाय 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 भाई, व्यू चेक करेगा, दुनिया साफ हुई पड़ी है सख्त। बारिश के बाद ना एक अलग ही व्यू आता है, दुनिया साफ हुई हुई होती है। तो इधर ही एक मेरा सवाल भी था, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा सवाल था ना कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किस वजह से जन्नत से निकाला गया। थोड़ा मैं साइड पर जो धूप लग, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किस वजह से जन्नत से निकाल कर दुनिया में भेजा गया, इसका जवाब आप मुझे दे। तो अगली वीडियो में मैं इसका जवाब भी बता दूंगा और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लूंगा। गाइस बस थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं आपको बाहर का, रैंडमली रैंडमली थोड़ा सा ठीक, और फिर चलते हैं कहीं आगे, नेक्स्ट प्लान देखते हैं क्या। तो फिलहाल तो ये देख लें, थोड़ी थोड़ी धूप है इसलिए इतना नहीं आए। रोड का सीन देखते हैं, रोड का रोड का तो ये सिनेरियो है, रोड का तो ये सीन है, ये पेज है। चले गाइस अभी जाते हैं कि वो देखें, वो गाड़ी देख रहे हैं, वो मेरे फ्रेंड की है। वो गाड़ी खड़ी हुई है, इधर का भी देखने थोड़ा भी थोड़ी, ये जो है ना अभी धूप निकल आई है। ठीक है, इस बाहर का व्यू तो आपने देख लिया है कि कैसा है व्यू कैसा नहीं है। तो अब बस मैं इधर से वहाँ बैठा हूँ थोड़ी देर, तो चलते हैं नीचे, चलते हैं नीचे जाके एक दोस्त को कॉल करते हैं, उसे पार्क में बुलाते हैं। अगर वो पार्क में आ जाता है तो फिर पार्क में मिलते हैं, नहीं तो फिर देखते हैं क्या नेक्स्ट प्लान है। ठीक है, तो चले नीचे चलते हैं, अब बैठ के क्या करना है। तो
अदनान को भी मैंने कॉल की है, तो अदनान कह रहे हैं मैं तो जा रहा हूँ डिवॉटसन पर, मेरा काम है ना, तो आज उसका दिन भी बिजी गुजरेगा कह रहा था। तो फिर हम कल ही इंशाल्लाह कल ही उसने कहा मिलेंगे, तो बाकी देखते हैं बाकी क्या करते हैं, क्या सीन है, क्या प्लान है। अभी मेरा है कि दोस्तों वगैरह को मैं कॉल करता हूँ और किसी को उनकी तरफ जाते हैं, तो थोड़ा देर करेंगे, देख लेंगे। ठीक है यार, अभी तो फिलहाल बैठे हुए हैं, कोई जो है ना मतलब हाल में धोखा खा के बैठे हुए हैं। और दोस्त ने भी एक दूसरे दोस्त को भी कॉल किया, उसने भी बोला कि मैं भी बिजी हूँ। तो चलो खैर, थोड़ी आपसे बातें करनी हो, रमज़ान भी करीब आ रहा है, मैंने डंगरों वाले बाल कटवाने हैं, मुझे पता है कि किसी को नहीं अच्छे लग रहे बाल कटवाने हैं, बस इंशाल्लाह कल तक का वेट करते हैं, बस फिर बाल कटवा देने हैं, बाल उतरवा देंगे। इस्लामी महीना आ रहा है ना, तो इस्लाम के मुताबिक रहना पड़ेगा, ये बाल उतरवा देंगे सारे, ये देखें ये डंगरों वाले, ये सारे उतरवा देंगे इंशाल्लाह। बाकी गाइस, आपका वो इशू भी सॉल्व हो गया अब तो, बल्कि आपका नहीं, मेरा इशू सॉल्व हो गया, वो वाला जो आवाज़ नहीं आ रही थी व्लॉग में, अब वो भी आ गई। ये माइक देख सकते हैं, माइक मिल गया है। तो कल मैं अपने दोस्त के साथ गया था फैज़ के साथ माइक लेने, तो बस माइक मिल गया है, तो अब तो वॉइस का प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह। ये तो अभी वाइड माइक है, इंशाल्लाह ब्लूटूथ भी लेंगे, जल्दी ही लेंगे। बस ब्लूटूथ कल मिल तो रहा था, लेकिन उसका कनेक्टर कहीं नहीं मिल रहा। बोर होने से अच्छा रोड की तरह देख लें, कुछ इंजॉय कर लें, देखते हैं कैसी है। यार कितनी चहल पहल लगी हुई है रोड पे, और एक हम है के छोड़ा नहीं है, बस ओए इतने मज़े की हवा चली है गए थे, इतने मज़े की, हाय हाय मज़ा आ गया, इतने मज़े की हवा चली है ना, इतने मज़े की। बाकी गए ठहरे, सब्र करें सब्र करें, मुझे एक और तरीका है एंजॉय करने का, अगर तो हमें मिल जाता है ना दूसरे घर की चाबी मिल जाती है, तो फिर तो मैं आपको दिखाता हूँ, साइड से व्यू दिखाता हूँ ना, उस साइड से व्यू बड़ा मज़ा आता है, बड़े मज़े का आता है रोड का, तो मैं उस साइड का व्यू आपको दिखाता हूँ अगर मुझे चाबी उधर की मिल जाती है। वो गलत पास से आ गए, गलत पास से आ गए, उस साइड से जाना है तो छोड़ो यार, खैर गलत पास से आ गए तो क्या, चलो सही साइड चले जाते हैं, यहाँ गली से जाते हैं ना, ये देखो गए जा तो गए, पर शायद लॉक है, लॉक है गए, तो चलो दूसरी साइड से जाते हैं। गए तो दूसरी साइड भी गए थे, अभी मैं थक गया हूँ, दूसरी साइड भी गए थे, दूसरी साइड से भी लॉक है यार, क्या मतलब जिंदगी हुई हुई है, हर तरफ से दुदकारे जा रहे हैं हम ना, लॉक है हर तरफ से लॉक है। तो अब बस थोड़ी देर चुप करके वेले होके बैठो, फिर कुछ सोचते हैं क्या करना है। गाइस तो प्लान तो मेरा ये था कि मैं जाऊं दोस्तों की तरह, लेकिन हम अपने ज़्यादा जो वेले लोग हैं ना उनके पास आए हैं। नहीं खैर, थोड़ी भूख लग रही थी। हाँ ना, आप वेले ही हैं ना, वेले ही हैं तो क्या हमारे जैसे वेले होते हैं? हाँ जी, तेज़ वेले होते जी भाई, हमारी पढ़ाई होती है, और पढ़ाई के अलावा ट्यूशन ट्यूशन के अलावा काफ़ी काम होते हैं हमारे, वेले ऐसे लोग होते हैं, ये देखो दुकान में 24 घंटे बैठे हैं। वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल डे, एक और नए दिन में जी, प्यारे दिन में। गाइस अभी तो फिलहाल हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, थोड़ी सी जो है ना धूप में बैठे हुए हैं, तो अभी चलें, अभी नाश्ता वगैरह हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया, तो अभी अदनान भाई की कॉल आई है कि आएं जी 10 बजे मैं आपको मिलूँगा पार्क में, अभी 9:19 का टाइम हो रहा है, तो पार्क में 10 बजे, तो उससे पहले मैंने नाना वगैरह भी है, तो गाइस चलते हैं नाते वगैरह, फिर जाते हैं अदनान भाई से मिलते हैं, अदनान भाई से मिल के इस व्लॉग को एंड करते हैं, फिर एडिट भी करना है, अपलोड भी करना है, तो काफ़ी काम है यार गाइस, वेले इंसान ही है, काफ़ी काम है, काफ़ी मेहनत करते हैं हम लोग दिन में,
तो चलो ठीक है जी, ओके हो गया, मिलते हैं फिर नहा वगैरह के, नाश्ते वगैरह बाकी हो गया और थोड़ी मेरी हेल्थ वगैरह भी सही हो गई है, तो कल वाला जो है आंसर, जो है कल वाला आंसर वो आपने लाजमी देना है, ठीक है? नीचे कमेंट में करके आंसर दे दें, लाजमी देना है, लाजमी, ठीक है? ओके, तो फिर मिलते हैं नहाने के बाद। गाइस तो वेलकम बैक हो गया जी, अभी हम ये देख सकते हैं नहा धो के तैयार हो के आ गए, तो अभी मिलते हैं अदनान भाई से, देखते हैं अभी तो वो ऑफलाइन है, मैसेज में करता हूँ, अगर ऑनलाइन होते हैं उनसे पूछते हैं। 10:30 हो गए हैं जी, 10 बजे आपने मिलने का कहा था, आप कितने रह गए हैं? तो चलें उनको कॉल करते हैं, उनसे पूछ लेते हैं, फिर जाते हैं उनसे मिलने। यार गाइस तो अदनान भाई का आ गया मैसेज, कह रहे कि दुकान पर पहुंचो, हमारा एक दोस्त है अली, उसे भी लेते हैं, उसे लेके बस फिर चलते हैं, थोड़ा पार्क में जाके शूट करते हैं और इस व्लॉग को एंड करते हैं, एडिट करके फिर आपके लिए अपलोड भी करना है, ठीक है? तो बस वहीं पे मिलते हैं अदनान भाई के तो पास। जिसकी बात कर रहा था, जिस बेगैरत की मैं बात कर रहा था, जिसने सुबह से कल भी हमें गोली करवाई थी, आज भी कोशिश कर रहा था गोली करवाने की, लेकिन इससे हुई नहीं सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से गोली हुई नहीं है। वो ये जा रहा है, ये देखें, ओए मुड़ पीछे, इतने गिले भी कोई करता है यार? मुड़ पीछे मुड़, बंदा मसरूफ भी होता है, काम में ही होता है बंदा बंदा। बंदा मसरूफ होता है, लो ये देख लो, इन जैसे वेले भी मसरूफ होते हैं। कल पूछे क्या करने जा रहे, कल डिवॉर्सन जा रहा हूँ, इन जैसे वेले भी मसरूफ होते वेले हैं। काम में बंदा जाता है। और चल भाई ले ले, निकल अब आगे जाकर उसे तू बुलाएगा, गोली बाद में। तो ओए मैं ये देख रहे ना, आगे जाकर ये तू मेरे बुलाएगा उसे, मेरे पहले पास तो इस लड़के को भेज रहा हूँ। इधर आवे, अली के घर का पता है ना? अली के घर का पता है? अली का? हाँ ये देखें, इस बगैरत में इतनी काम हिम्मत बता नहीं रहा है, ये हूँ, खुद नहीं बोल रहा, ठीक है? ये दूसरों से कह रहा है। गाइस तो चलें अभी अली आता है तो अली से मिल के आपको बताते हैं, पहले मेरी सुने या ये गोलीबाज इंसान है, इसकी बातों में नहीं आना आपने, बाकी इसकी जो बात सुननी है सुन लें, सबसे बड़ा गोलीबाज इंसान है PWD का भाई। अब आप अपना नजरिया पेश करें। मैं तो बिल्कुल लल्लू पंजू बंदा था, जब PWD में आया सारा दिया इन लोगों ने, जो भी मुझे गोलीबाज बनाया इन लोगों ने बनाया, बड़े बगैर ये हैं गोलीबाज, उनसे इनसे छोटा मैं हूँ, उस्ताद ये है। अब इसे बंदा क्या कहे यार, बस यार क्या इसके बता दूसरे सकता दोस्त ने भी गोली करा दी है। ओ भाई जान, वो तो अपनी अम्मी अब्बे के साथ था ना, संडे है कहीं पार्क वार्क में गया होगा, वैसे भी वो भी लोफर है हमारी तरह है। नहीं ये भी स्टडी करता है, मैं भी जॉब वगैरह करता हूँ, तो बराए करम हम अच्छे हैं, अपनी बुराई हम खुद ही कर रहे हैं आपके सामने, खुद ही डिग्रेड कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर रहा, तू तू अपने को वो कर रहा अभी टाइम हो गया है, 11 पूरे हो गए हैं उसके बाद। गाइस तो बाहर से होके नान भाई से मिल के हम आ गए हैं, अली हमें नहीं मिला था जिसकी वजह हमारा पार्क का प्लान कैंसिल हुआ, तो अली कह रहा था मैं अभी आया हूँ उसके पापा के, वो बॉडी बिल्डर हैं, चैंपियन चैंपियन भी रहे हैं, तो वो आगे पीछे उनका कोई चैलेंज वगैरह होता है ना, तो फिटनेस चैलेंज वगैरह उधर जाते रहते हैं, अली उनके साथ गया हुआ है सरगोधा, अली की वजह से हमारा प्लान कैंसिल हो गया पार्क जाने का, तो अली कह रहा था कि मैं 2-3 दिन तक ना इंशाल्लाह आ जाऊँगा ना, तो जब वो आ जाएगा इंशाल्लाह फिर पार्क भी आपको दिखाएंगे। तो गाइस अभी करते हैं व्लॉग की एंडिंग करते हैं, क्योंकि एडिट भी करने एडिटिंग में भी बड़ा टाइम लगता है और अपलोडिंग में भी टाइम लगता है। तो गाइस होप यू लाइक दिस व्लॉग, उम्मीद यही है कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो बाकी इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट व्लॉग में, इस व्लॉग में तो इंशाल्लाह ये वॉइस प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई क्योंकि हमारे पास माइक आ गया था, तो बाकी उम्मीद यही है कि व्लॉग आपको अच्छा लगे, 2 दिन का कंबाइन करके बनाया, तो बस अब देख लें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, यार
जान दो यार, थोड़ा की जान दे, लाइक कर दो, लाइक फ्री च, सब्सक्राइब भी फ्री च यार, कर दो ना भाई, कर दो ताकि थोड़ी हेल्प हो जाए ग्रो करने में।